गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सब्जेक्ट साइंस फॉर 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन. व्हाट इज अवर चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज मोशन. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना. जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसे कवर होती है. टुडेज टॉपिक अवर दैट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म, व्हाट इज द यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टैंड दैट द वर्ड्स ऑफ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म होना, और नॉन यूनिफॉर्म नॉट ए पर्टिकुलर फॉर्म. ओके, लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ. यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स, जब कोई बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करता, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर हमें माइंड करना, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यानी कि टाइम भी क्या होगा हमारा, जो टाइम इंटरवल्स है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करता, मोशन करेगा, किस में मोशन करेगा, इक्वल डिस्टेंसेज में, इन अ पर्टिकुलर टाइम. पर्टिकुलर मतलब इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस, बोथ आर इक्वल्स, इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई रोड समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए. एक पाथ ले लिया हमने, ये पाथ है हमारा, ये पाथ है. पाथ पर क्या किया हमने, कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, पॉइंट्स ए बी सी डी और ई, कुछ पॉइंट्स हैं. उन पॉइंट्सों का, उन पॉइंट्सों की जो क्या है, ये जो टाइम है, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं. जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी, ए टू बी की कितनी, 10 मीटर. B to C की डिस्टेंस कितनी, 10 मीटर. C to D की डिस्टेंस 10 मीटर एंड D to E की डिस्टेंस भी कितनी, 10 मीटर. यानी जो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हमारी 10 मीटर, और ये 10 मीटर क्या है, इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल है सारे पॉइंट्स की, इक्वल इक्वल. अब देख लेते हैं इसका टाइम. टाइम इज दैट 5 सेकेंड. जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था अपना, ओरिजिन पॉइंट ओ पर था, तो इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, मोशन करना स्टार्ट किया, कहाँ, ए टू बी. ए टू बी में जब मोशन किया, कितना हुआ उसका, उसने टाइम लिया, टाइम टेकल 5 सेकंड. फिर बी टू सी में गया 5 सेकंड, और सी टू डी में गया 5 सेकंड, और डी टू ई गया तब भी 5 सेकंड. यानी कि उसका जो टाइम्स इंटरवल वो क्या हो गया, सेम हो गया. उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पर गो थ्रू करने के लिए क्या लिया, इक्वल टाइम इंटरवल लिया, और वो टाइम कितना लिया, टाइम उसने लिया 5 सेकंड. 5 सेकंड ये भी क्या हो गया, इक्वल. तो इससे हमें पता चल गया, अगर ये और आगे भी डिस्टेंस करेगा, ये पूरे पाथ पर भी डिस्टेंस करता ना, तब भी क्या करता, ये उसकी डिस्टेंस 10 मीटर ही होती और टाइम कितना होता उसका, 5 सेकंड होता. मींस हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग कर रहा है किसी भी स्ट्रेट पाथ पे या कहीं भी मूविंग करता, तो वो क्या कर रहा, एक इक्वल डिस्टेंस को मेजरिंग करता, किसमें, एक इक्वल टाइम इंटरवल्स में मेजरिंग करता. इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशंस, चाहे वो डिस्टेंस कितनी भी लंबी हो. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या ली है, दो फिजिकल क्वांटिटी ली. व्हाट इज टू फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड टाइम. तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी डिस्टेंस एंड टाइम की जरूरत पड़ेगी. तो डिस्टेंस और टाइम, ये दो फिजिकल क्वांटिटी ली, इनकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली. नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन के पता चल जाता, दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट, रिवर्स हो गई. नॉन का मतलब नहीं. व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल, इनइक्वल, इक्वल नहीं है, इनइक्वल है, इनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. व्हेन बॉडी ट्रेवल्स, बॉडी ट्रेवल्स करेगी यहाँ, लेकिन क्या करेगी, इन इक्वल डिस्टेंसेज, जो डिस्टेंस होगी उसकी इक्वल नहीं होगी. डिस्टेंस क्या लेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट लेगी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम हमारा इक्वल होगा. टाइम तो इक्वल ले रहा है, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी डिस्टेंस अलग अलग होती. वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता कि वो उस कितनी डिस्टेंस, मतलब कितने टाइम में कवर करता. इट इज कॉल्ड रूट्स इट्स स्पीड, वो क्या कहलाती, उसकी स्पीड कहलाती है ना. ओके, तो क्या किया है यहाँ पर, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं. कोई भी हमने पाथ ले लिया एक, उस पाथ में कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए मैंने यहाँ, ए बी सी एंड डी. ओके, तो जो टाइम हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नीचे टाइम दिया हुआ, तो जो टाइम दिया हुआ वो कितना, 5 सेकंड.
5 सेकंड, 5 सेकंड, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को गो थ्रू करने के लिए ए टू बी 5 सेकंड, बी टू सी 5 सेकंड, सी टू डी भी कितना 5 सेकंड, यानी कि हमारा टाइम यहाँ पर इक्वल हो गया। बट क्या डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर कीजिए, डिस्टेंस जो हमारी होगी ए टू बी की डिस्टेंस 10 मीटर है, लेकिन वो 10 मीटर गए 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में क्या किया उसने 20 मीटर, चलो नेक्स्ट 5 सेकंड में 15 मीटर, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस है? नहीं, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ 10, 20 और यहाँ पे कितना 15, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस हो रही वो क्या हो गई, चेंज हो गई, डिस्टेंस इन इक्वल हो गई, कहीं पर कुछ डिस्टेंस है कहीं पर कुछ है, जबकि जो टाइम है वो क्या है, टाइम हमारा बिल्कुल इक्वल है, या मींस दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस उसने इक्वल लिया, लेकिन टाइम इक्वल लिया लेकिन डिस्टेंस वहाँ इक्वल उसकी शो नहीं करते, इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। इन द डेली टू डेली लाइफ यू सी दैट most of vehicles, most of object, most of things has the different speed. हमने क्या कहा था अभी, स्पीड क्या होती, स्पीड होती जो हमारी टोटल डिस्टेंस होती, और टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम हुआ, कितना टाइम लिया गया, वो उसकी स्पीड कहलाती। मीन्स स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं स्पीड की बात करती, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये क्या हुआ था, ये अभी जो हमने यहाँ पढ़ा था भाई, ये क्या थी, इसकी डिस्टेंस थी। मींस अगर कभी कभी कुछ ट्रेनें होती, ट्रेन की अलग स्पीड होती है अपनी, वो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती, कोई टू व्हीलर्स होता, कभी हम अगर एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन क्या होता है, मोर डिस्टेंस कवर करता कम टाइम में, तो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस अलग होगी, इट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती, स्पीड कहलाती। ओके, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, अगर मोशन की हमें रेट ज्ञात करनी हो, रेट मतलब दर, कि मोशन की क्या रेट हो रही है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड टू द डिस्टेंस, अगर हमें किसी की मोशन रेट, मोशन कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, उसकी डिस्टेंस फाइंड करने की पड़ेगी, टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस चली तब हम उसकी रेट ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब जब हम रेट ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आती बात एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं तो एवरेज स्पीड में भी यही होगा, स्पीड की होती है और एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला यही होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो उसमें क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जितनी भी होगी हमारी ऐड कर देंगे और जो भी हमारा टोटल टाइम होगा उसमें ऐड कर देंगे। अब आती बात यूनिट की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट अगर हम यूनिट, हमें यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें मेजरिंग करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर मानक की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर मानक को कहते हैं यूनिट, उसकी यूनिट यानी उसको मेजर करने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट अगर हम निकालते हैं हम इसकी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजरिंग की हमने, मीटर में, तो हो गया मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम किस में था हमारा, सेकंड में, सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड क्या, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट, और डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती, मीटर होती। ये मानक पद्धति जो हमारी UGS पद्धति, MKS जो सिस्टम हमारा है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें ये मानक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई, तो हम कल जब मेजरमेंट की बात होती है तो अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में यूनिट को हम मेजर करते हैं, मीटर अपॉन इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड हो गया। तो यूनिट क्या, यूनिट को अगर हम, स्पीड को अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो स्पीड की क्या आ जाती, स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाती, ये हो जाती हमारा डिस्टेंस हो गई हमारी, मीटर हो गई, मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी स्पीड हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई स्पीड की, है ना। और कभी आपकी बुक्स में कभी कभी क्वांटिटी जो उसके मतलब फर्स्ट वर्ड्स होते हैं जिससे उसको रिप्रोड्यूस करते हैं उसको, तो वो चेंज कर देते हैं, जैसे स्पीड को हमारी बुक्स में वी से दिखाया तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ वी डिनोटेड स्पीड बाई वी तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाता है एस अपॉन टी,
स्पीड अपॉन टाइम, तो यानी कि वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड रेट ऑफ मोशन पढ़ा और एवरेज स्पीड पढ़ा, साथ साथ में हमने क्या उसकी यूनिट भी मेजर की। ओके, आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।